नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ कर्मचारियों के संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा जोन के मुख्य मंडल अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग गोहला से मारपीट के आरोपी गोहला विधायक कुलवंत बाजीगर के गुर्गे की खेल गिरफ्तारी व खेल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा शिकायत निवारण समिति की एक बैठक में षड्यंत्र के चलते पीड़ित एसडीओ द्वारा दुर्व्यवहार व संस्पेशन तथा गिरफ्तारी आदेशों के विरोध में प्रधान देवेंद्र रंगा की अध्यक्षता में शहर में प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अनिश्चितकालीन आंदोलन लघु सचिवालय पर आंदोलन शुरू किया गया। इस बैठक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी, मैकेनिक व यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन, अखिल भारतीय किसान तथा हरियाणा कर्मचारी महासंघ जैसे कई संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की तथा आपस में एक दूसरे को सहयोग व संगठन बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया। कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि भाजपा का चाल चरित्र व चेहरा आज सामने है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के चलते विधायक सरेआम अधिकारियों व कर्मचारियों को पिटवाते हैं, मंत्रियों के सामने प्रजातांत्रिक तरीके से कोई सुनवाई नहीं और राजा महाराजा की तरह तानाशाही के आदेश दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि यदि तुरंत विधायक गोला के गुर्गे को गिरफ्तार नहीं किया जाए और विधायक पर षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होता तथा अनिल विज अपने तानाशाही फैसले पर खेद प्रकट नहीं करते तो पीड़ित एसडीओ पर किसी तरह का केस दर्ज करने से पहले संपूर्ण जांच नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। मैं जसवीर सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का जो रोष प्रदर्शन है ये पूरे जो मंत्री जी ने परसों जो है एक एसडीओ के साथ जो बद्र विहार किया है उसके लिए किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी ने जो है बिल्कुल जांच करके अगर कोई दोषी अधिकारी पाया जाता उसके साथ उसका बिल्कुल कर देते, लेकिन विधायक जी ने उनकी सुनी नहीं। उनको जो है बिना बेवजह जो है बिना जांच किए ही उनको तुरंत सस्पेंड करने और वहां से पकड़कर बाहर फेंकने का जो प्रमाण जारी किया है इससे हमें काफी दुख है। और इसमें सभी कर्मचारियों में और ये आज कैथल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों में भारी रोष है। हम ये कहना चाहते हैं कि अनिल विज ने इससे सुध लेनी चाहिए और आने समय में किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसकी जांच करवा करके पूर्ण रूप से जांच करवाएं, उसके बाद जो भी सजा उसको दे दी जाए भेज दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जो है बिल्कुल गब्बर की तरह ये दिखाना चाहते हैं ये किस सूत्र में सहन किया जाएगा। आने वाली ग्रंथी कमेटी मीटिंग में अगर इस तरह का व्यवहार मंत्री जी ने किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैथल के अंदर ये घटना घटी है कि अनिल विज ने जो एक एसडीओ को रिटायर एसडीओ को सस्पेंड किया है इसके बारे में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी भी ऑल हरियाणा के अंदर इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि जो एसडीओ पब्लिक हेल्थ का उसको एक मौका सुनाई का देना चाहिए था। गुला के अंदर उस एसडीओ के साथ उसके गुर्गे ने मारपीट की है जो असहनीय है। जो गुला में उसका विधायक का भाई है उसके साथ मारपीट की है गुला के विधायक को, श्रीराम वो वीडियो के अंदर आया हुआ है, चार कर्म भाइयों पे बना हुआ है, उसको नजरअंदाज करते गुला का विधायक ने ये जानबूझकर ये रखी है बात के मंत्री पे इस पे ये देखी वाली साजिश थी। साजिश के तहत एसडीओ को एक सस्पेंड किया है। आज हम मांग करते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से रहना गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी का जिला प्रधान होने के नाते हम मांग करते हैं कि अनिल विज के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो, गोला के विधायक जो वहाँ मारपीट की है उसके खिलाफ उनका मुलजामों को गिरफ्तार किया जाए।